हाय गाइस, आज के इस वीडियो है इस माइक के बारे में, बोया BY-M1। काफी बड़े बड़े यूट्यूबर इस माइक को यूज करते हैं, इवन रिकमेंड भी करते हैं। इस माइक का नॉइस कैंसलेशन कैपेबिलिटी काफी अच्छा है, लेकिन इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं क्या ये माइक इको को अच्छी तरह से काट पाता है या नहीं। जब हम किसी पार्किंग लॉट वगैरह में शूट करते हैं तो काफी ज्यादा इको आता है, या फिर कहीं बड़े हॉल पे अगर शूट करते हैं तो वहां पर भी बहुत सारा इको आता है। तो वहाँ पर हमें कुछ अलग से माइक का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन उस माइक के साथ आपको काफ़ी दिक्कतें भी झेलना पड़ता है, क्योंकि आपको उस माइक के ऑडियो को पोस्ट प्रोसेसिंग में वीडियो के साथ सिंक करना पड़ता है। तो इस तरीके के माइक का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज यह है कि आप जब भी शूट कर रहे होते हो तब वीडियो के साथ इसका ऑडियो भी एक ही साथ रिकॉर्ड होता है, चाहे आपके फ़ोन के साथ हो या कैमरा के साथ। अगर आप अभी एक माइक खरीदना चाहते हैं और एक अच्छा माइक ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन पर, तो मैं इस माइक के बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस तरह के माइक को लैवेलियर माइक बोला जाता है, और ये माइक बहुत ही हैसल फ्री माइक है, मतलब कि जस्ट कैमरा या फिर फ़ोन के साथ जस्ट कनेक्ट करो और शुरू हो जाओ, बिल्कुल झंझट ना के बराबर है। अभी बैकग्राउंड में एक गाड़ी भी जा रहा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसका नॉइस कैंसिलेशन कैपेबिलिटी कैसा है। तो मैं बता देता हूँ, इस माइक का जो वॉइस कैप्चरिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि आप अगर वीडियो बना रहे हो और उस पर अच्छा खासा ऑडियो चाहिए तो ठीक है। लेकिन क्या है ना, मैंने देखा कोई एक वीडियो के कोई बता रहा है ये माइक बहुत अच्छा ऑडियो देता है, तो कोई कोई उस वीडियो को देख के मिसगाइड भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली बता देता हूँ, अगर आप सिंगिंग वगैरह करते हैं तो ये माइक आपके लिए नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा कंडेंसर स्टूडियो माइक वगैरह पे जाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। लेकिन आप शुरू करना चाहते हैं तो इस माइक से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि स्टूडियो लेवल वाला जो वॉइस ओवर होता है वो भी इससे करना चाहते हो तो वो लेवल नहीं आ पाएगा, उसके लिए स्टूडियो माइक ही चाहिए। लेकिन शुरू के लिए आप इससे भी काम चला सकते हो। बस कुछ वीडियो में बहुत अच्छा बोल रहे हैं लोग इस माइक को, तो कोई अगर मिसगाइड ना हो इसलिए मैं ये बता दिया, अदरवाइज ठीक ही है माइक। तो चलिए इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है उसमें आते हैं। मैं अभी जहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये तो एक यहाँ पर इको है, लेकिन बहुत ही कम इको है। यहाँ पर अभी हम एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा इको है इधर भी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक हॉल पे जाएंगे जहाँ पे यहाँ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इको है, तो वहाँ पर हम लोगों को टेस्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। और मैं अभी भी इस माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं इस माइक को जिस कैमरे पे कनेक्ट किया हुआ है वो है कैनन का EOS M। तो हम जो टेस्ट करने वाले हैं उसमें पहले हम इस कैमरा के बिल्ट इन माइक से टेस्ट करेंगे, उसके बाद ये बोया BY-M1 माइक को लगा के टेस्ट करेंगे, और फिर बाद में दोनों वीडियो क्लिप्स के ऑडियो को चेक करेंगे। तो अभी हम हॉल पे आ चुके हैं, तो अभी मैं बोया BY-M1 माइक को कैमरा से डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ, और अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो कैमरा के बिल्ट इन माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो इको कैसा आ रहा है ये हम थोड़ी देर में कंप्यूटर में जाके चेक करेंगे। तो अभी हम हॉल पे आ चुके हैं और यहाँ पे इको काफी ज्यादा है, हम लोग थोड़ी देर में कंप्यूटर में जाके चेक करेंगे कि यहाँ पर इको जो है वो माइक कैप्चर कर रहा है या कैंसिल कर रहा है। तो गाइस, अभी मैंने कंप्यूटर में चेक किया, वो वीडियो क्लिप में जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें इको है या नहीं है, है तो कितना है वो बताने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा था कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो ये माइक ले सकते हो, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि शुरुआत करने के लिए अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट नहीं है एक अच्छा सा स्टूडियो माइक खरीदने के लिए, तो फिर आप अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपके फ़ोन जब आप वीडियो के साथ रिकॉर्ड करेंगे तब दूर रख के रिकॉर्ड करेंगे, और तभी जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा वो काफ़ी दूर होने के वजह से अच्छा नहीं आएगा उतना। इसीलिए मैंने बोला कि आप शुरुआत करना चाहते हो तो ये माइक ले सकते हो, क्योंकि ये आपके ऑडियो सोर्स के पास रहेगा और इससे आपका ऑडियो क्वालिटी जो दूर रखे हुए फ़ोन होता है उससे काफ़ी अच्छा आएगा। तो हम फिर एक अच्छा माइक किसको बोलेंगे, ह्यूमंस जो साउंड सुन पाता है उसका लिमिट है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़, उसके ऊपर या नीचे सुन नहीं पाता है। तो हम एक अच्छा माइक उसी को बोलेंगे जो कि इस लिमिट के हर एक ऑडियो वेव को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर पाए। कुछ कुछ माइक तो इससे ऊपर या नीचे के भी वेवलेंथ को रिकॉर्ड कर पाता है, वो बहुत अच्छे माइक होते हैं। लेकिन जो माइक 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक ऑडियो फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड कर पाता है हम उसी को एक अच्छा माइक कंसिडर कर सकते हैं। इस बोया BY-M1 माइक का जो रिकॉर्डिंग रेंज है वो 65 हर्ट्ज़ से लेकर के 18 किलो हर्ट्ज़ तक है,
सो इस माइक से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो मत रखिए। यह अच्छा है अगर आप इंटरव्यू वगैरह शूट कर रहे हो या कुछ इस तरीके का वीडियो शूट कर रहे हो जिसपे आपका ऑडियो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, तो इसके लिए यह माइक है। और मैंने पहले भी बता दिया, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो अगर आप अकेला ही सारा काम संभालते हो और काम को बहुत झंझट फ्री रखना चाहते हो तो ये माइक आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो अभी हम इसके इको कैंसिलिंग और नॉइस कैंसिलिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं अभी बता देता हूँ, मैं अभी शूट कर रहा हूँ और ऊपर एक फ़ैन भी चल रहा है, तो मैं थोड़ी देर 2-3 सेकंड चुप रह रहा हूँ। आप सुनिए आपको ऑडियो क्लिप में फ़ैन का नॉइस आ रहा है या नहीं, और कमेंट में बताइए नॉइस आ रहा है या नहीं। ओके, तो अभी बात करते हैं जो मैंने टेस्ट किया था उसके बारे में। तो एको टेस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एको टेस्ट में मैंने देखा, आप लोग भी देखेंगे, वीडियो क्लिप में है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए आप लोगों को क्या लगता है इस माइक के एको कैंसिलिंग कैपेबिलिटी के बारे में। तो मुझे ये लगता है कि ये माइक उतना अच्छा एको कैंसिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी आप जब बात कर रहे हो और माइक आपके ऑडियो सोर्स जो कि यहाँ पर आपका माउथ है उसके बहुत ही पास होता है, एको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लगता है। क्योंकि मैंने देखा वहाँ पर बहुत ही एको हो रहा था, लेकिन मैंने जब ऑडियो पे अच्छे से सुना तो बहुत ही कम था, उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब आप अगर शूट करते हो एको वाले एरिया में, बाद में अगर आप देखते हो तो आपको रियल टाइम में वहाँ पर जितना एको महसूस हो रहा था वीडियो में उतना नहीं होगा। लेकिन अगर आप माइक को ऑडियो सोर्स से थोड़ा भी दूर करते हैं तो एको बहुत ही बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लैप किया था थोड़े दूर पर, वहाँ पर हॉल पे किया था क्लैप, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एको आ रहा था क्लैप करने पर, लेकिन मैं जब बात कर रहा था वहाँ पर तब उतनी ज़्यादा एको नहीं आ रहा था। और यही सेम चीज़ अप्लाई होता है इस माइक के नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर। मतलब जब माइक ऑडियो सोर्स जो कि यहाँ पर मेरा माउथ है उसके पास होता है और ऑडियो सोर्स से ऑडियो आ रहा होता है एक सर्टेन लिमिट के ऊपर, तब जो बाहर का नॉइस होता है वो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर माइक आप ऑडियो सोर्स से दूर रखेंगे तो नॉइस अच्छे से कैंसिल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मैंने मेरे कैमरा पे जो ऑडियो सेटिंग्स यूज़ किया था वो ऑटो पे था। अगर आप उसको मैनुअल करके थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऑडियो लेवल को, तब क्या होगा, जो माइक है वो थोड़ा सर्टेन लिमिट के ऊपर का ही ऑडियो हमेशा कैप्चर करेगा और नीचे का जो नॉइस रहेगा वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि जब ऑडियो सोर्स से थोड़ी देर के लिए ऑडियो आना बंद होता है तब ये माइक अननेसेसरीली कोई नॉइस कैप्चर ना करे। लेकिन आपको उसके साथ ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में माइक जो है एक सर्टेन लिमिट के ऊपर का ही ऑडियो कैप्चर करेगा, उसका नीचे का लेवल उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो आपको हो सकता है थोड़ा लाउड बोलना पड़े और या फिर माइक को ऑडियो सोर्स से बहुत ही पास रखना पड़े। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में इस माइक के बारे में और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये भी बताना मत भूलिएगा कि इस माइक का ऑडियो क्वालिटी आपको कैसा लगा। बाय।